हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज के दिन जी मैं जा रहा हूँ नहायत ही एक खूबसूरत एरिया है बर्लिन का, फॉरेस्ट है एक, बाकी जो डिटेल है फॉरेस्ट की वो पहुँच के बताऊँगा। और काफ़ी ये ग्रीनिश एरिया है ओवरऑल बर्लिन के अंदर, काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक फॉरेस्ट है नियर बाय। मुझे तो यहाँ से तकरीबन घंटा एक लगेगा, दो मुझे यहाँ पर चेंज करनी है बसेस अपनी लोकेशन पर, मैं पहुँचूँगा अभी, मैं खड़ा हूँ स्टॉप के ऊपर, तो बाकी चल के बातें आपको करेंगे वहाँ पहुँच के। तकरीबन 5-1 मिनट हमने वॉक किया जी पैदल, गलत बस हमने ली थी जिसने पहले एक स्टॉप उतार दिया था। यहाँ तक आने के लिए आपको बस भी ले के आती है, M19 बस आ रही है यहाँ पे। अगर आप एसपॉन से आना चाहें तो एसपॉन से भी आ सकते हैं, फिर आके वॉक स्टार्ट करते हैं। पैदल हमने वॉक स्टार्ट कर दी है जी, तकरीबन 10-15 मिनट हो गए जी वॉक करते। नहायत ही खूबसूरत मनाजर है, और ये जो वॉक के लिए ये पास बनना रास्ता नहायत ही खूबसूरत, साइकिलिंग के ऊपर भी आप आ सकते हैं चाहें तो, अगर आप इंटरेस्टेड हो साइकिल के अंदर तो। अभी यहाँ पे नियर बाई कोई लेक देखते हैं, वहाँ पर चल के ज़रा बैठते हैं और इस नेचर को इंजॉय करते हैं। बहुत ही घना जंगल है जी, कमाल चेक करें, व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊँ, यहाँ पे मेरे पीछे है जी एक लेक, यहाँ पे लोग जो है ना नहा सकते हैं आके, और मेरे पास प्रॉपर जो है ना एक अपना क्लोथिंग भी नहीं थी इस वजह से आज नहाने की हमने कोशिश करते। अच्छा यहाँ पे है जी एक छोटा सा व्यू पॉइंट, नीचे रेत है जी, ये लोग तो धूप में पड़े हुए हैं, हमें लगती है गर्मी धूप के अंदर, आई गेस स्किन जो है ना टैन की जा सकती है यहाँ पे, लेकिन हमारी तो पहले से टैन है, आगे चल। अच्छा जी सेम जो फॉरेस्ट है यहाँ पे एक और व्यू पॉइंट है, ये तो जर्मन लैंग्वेज के अंदर सब कुछ लिखा है, पीछे अभी तो इसकी समझ नहीं आ रही क्या लिखा है। बाय द वे कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, जो एक्चुअल पाथ है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये है जी सर पाथ, ये यहाँ पे आप जा सकते हैं नीचे, आई एम नॉट श्योर किस तरह का व्यू पॉइंट है नीचे क्या है, थोड़ा सा नीचे जाकर मैं देखता हूँ। आला इस तरह का व्यू है इस तरफ कुछ, वापस चलते हैं। अभी जी हम पास से ज़रा हट गए जो मेन ट्रैक था, अंदर आ गए जंगल के, यहाँ पे हमने कहा वॉक की जाए, थोड़ा सा नज़ारा लिया जाए जंगल के अंदर। आला आई गेस आगे जो लेक सी हमने उस तरफ नहीं गए क्योंकि काफ़ी ज़रा वॉक आ रही थी। अच्छा आप ये जो लोकेशन है इसका जो नाम बताते हैं आपको, गुने वार्ड नाम है जी इसका, लेवल से तकरीबन 350 मीटर इसकी हाइट है, काफ़ी बड़ा ये फॉरेस्ट है, वेस्ट ऑफ बर्लिन के अंदर आता है, इसका जो टोटल एरिया है 3000 एकड़ के करीब है। यहाँ पे आके आप वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग करना चाहें साइकिलिंग भी कर सकते हैं। अभी मैं देख लूँ नियर बाई कोई और अट्रैक्शन है तो आपको चलकर दिखाते हैं। अच्छा फॉरेस्ट के साथ ही जी जहाँ पे आपको बस उतारती है उसके साथ ही एक तरफ फॉरेस्ट का रास्ता है, दूसरी तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पे एक लेक है, तो देखना चाहें तो वॉक कर लिया, आई गेस अच्छी जगह है। ये है जी नाम लेक का, आप देख लें मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता क्या नाम है इसका। अच्छा जी काफ़ी सारी लेक्स हैं यहाँ पर,
और एक लेक अभी मैंने आपको दिखाई यहाँ पे, उसका रास्ता है, चेक करें। और साइड के ऊपर लोगों के घर हैं, आला काफ़ी खूबसूरत एरिया जी। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये वेस्ट पार्ट है जी बर्लिन का, और काफ़ी ग्रीनिश एरिया है। आपको दोनों तरफ मेरे घर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े विलास बने हैं। चलते हैं अभी लेक की तरफ, आपको लेक दिखाते हैं फिर आगे। जो मेन लेक है वो अभी तक नहीं मैं वहाँ पहुँच सका, काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ। माशाल्लाह, चेक द व्यू। सो जो मेन लेक थी बड़ी वाली, वो तो नहीं मुझे मिली, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड। आई होप के जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ग्रीनी है, काफ़ी सारी लेक्स हैं, मैंने काफ़ी सारी देखी भी हैं, लेकिन जो मेन लेक थी वो सम हो मैंने नहीं देख पाया। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।